हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे खास शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिसे आप रोज 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। और जी हां दोस्तों, ये ब्लॉग ना बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे न्यू राइड पे। आप एक खूबसूरत व्यू देख पा रहे होंगे, कितना खूबसूरत है ये, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपको दिखाना हूँ कि सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। वाओ, महंगी बातचीत, मर्सिडीज, क्या बात है, अपनी तो ख्वाबों की रानी है मर्सिडीज, ख्वाब ही में आती है और ख्वाब में ही आएगी, हकीकत नहीं बन पाएगी, बनती है नहीं बनती है ये तो कल की बात है, कल क्या होगा पता नहीं। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत हरियाली, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, महंगी बातचीत। और आज है दोस्तों संडे, और अभी जो है टाइम अपना जो हो गया है वो 9:49, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे थोड़ा डर भी है कि मिलेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लेट पता लगा, लेकिन शायद उनका प्लान था कि वो मॉर्निंग पे राइड के लिए निकलेंगे, देखते हैं किस्मत में हो गया तो मिले। ओह माय गॉड, ये मत कहना कि कुछ दिखाया नहीं, मैं आपको दिखा के चलता हूँ। और ये है लद्दाख वाली वाटर क्रॉसिंग, तो सब कुछ दिखाया, अब ये मत कहना कि दिखाया नहीं, ये तो शुरुआत है भाई। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से मिलाऊंगा ना, आप भी कहोगे कि भाई साहब आज का ब्लॉग इतना बेहतरीन था, इससे पहले कोई ब्लॉग ही बेहतरीन नहीं था। और भाई साहब, हर यूट्यूबर चाहता है कि मेरा हर ब्लॉग पिछले वाले ब्लॉग से टॉप का, हर हर महादेव। हाँ, निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, हाँ अपना सीना ताने। क्या कहती है पब्लिक, आगे पत्थर पड़ा है, ध्यान से भाई साहब, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि एक्सीडेंट 110% हो जाएगा, कोई ना कोई भाई चला जाएगा। यस यस यस, ये ओवरटेकिंग करते हुए, और ये जबरदस्त ओवरटेकिंग करते हुए, क्या बात क्या बात क्या बात। तो गाइज, मैं पहुंच गया हूँ भवाली। गाइज, आने वाली है लद्दाख वाली वाटर क्रॉसिंग और बहुत खूबसूरत छोटा सा झरना। गाइज, ये बरसाती झरना है, ये प्रॉपर झरना नहीं है, आप देख सकते हो। और ये लद्दाख वाली तीसरी वाटर क्रॉसिंग थी, यू नो दैट। देखा, लद्दाख वाला फील उत्तराखंड में भी मिल सकता है मेरे भाई। ये रोड गई है, यहाँ से एरो भी बनाया है, भीमताल यहाँ से 4 किलोमीटर है, और ये रोड पहले ही कट जाती है, यहाँ से आप जा सकते हैं साताल, साताल है यहाँ से 7 किलोमीटर। आज की बात है आपको बतानी, मैं हूँ चंपू रानी, देख रहे हो क्या हालत हो गई, चंपू बन गया हूँ चंपू। और मैं दिखाने वाला था आपको पीछे का व्यू, बहुत ही खूबसूरत है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ पा रहा, सो सैड, बट बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग। आपको ये व्यू कैसे लगा जरूर बताइएगा, चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो अपने GoPro की बैटरी हो गई थी शट डाउन, अभी मैंने फटाफट चेंज भी कर ली, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने घने जंगल हैं, इधर है बहुत तगड़ी खाई और इधर है ऊंचा सा पहाड़ जिसके हैं घने जंगल, और ये है सुनसान पतली गलियाँ और सुनसान रोड, लेकिन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बारिश के मौसम में ऐसी जगह पर सेफली, ऐसी जगह पर सेफ रहें, बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें, अगर आप सही सलामत रहेंगे तो आगे आप सेफली घर पहुंच पाएंगे, वो भी इंजॉयमेंट के साथ। अगर उल्टी सुलटी कोई हरकत करेंगे तो फिर बस एक हादसा बनकर रह जाएंगे। ये प्यारी सी स्वीटी सी ब्यूटी है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या करूं, कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास बैटरी सिर्फ एक है, और इस बैटरी में भी बैटरी का परसेंट है 66%, तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूं, बट
क्या करूं यार, मेरे को इतना पता नहीं था ना कि मेरे को ऐसे अचानक सरप्राइज के लिए निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा सोचता हूं मेरी एक बैटरी हमेशा हो जाती है, काफी हो जाती है। देख रहे हो कितना घना जंगल है, ना कोई पीछे है और ना कोई आगे, एकदम सुनसान रोड, पूरा घना जंगल। और मैं आपको बता देता हूँ कि जंगल में रहते हैं जंगली जानवर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है, क्योंकि पहाड़ उतने घने नहीं है, उतने ऊंचे नहीं है, लेकिन जंगल बहुत घना है। और जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और जहाँ पर जंगल घना होता है, वहाँ पर जानवर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ये 100% है। मुझे मजबूरी में अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा, फिर मिलते हैं। अपनी जो है धन्नो है ऑफ रोडिंग में, और फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं 7 साल की धन्नो को। कितना प्यारा डॉग है यार, कोई बात नहीं यार, मुझने तो अच्छा ही था। हेलो, काटेगा तो नहीं? वाह कितना प्यारा है। कि कौन सा ब्रीड है? सेंट बर्नार्ड यार खतरनाक ब्रीड है। हेलो, वाह यार आपने केयर भी अच्छे से कर रखी है, उसकी हेल्थ अच्छी है। ओ मोदिया, इधर देख रहे हो शरबत, आपका शिकंजी में मोदिया जलजीरा बना दिया। रोज बनाता है, ये अड्डा है इसका मतलब। भाई साहब क्या बात है, जलजीरे में मतलब बिक्री होती है, नहीं होती है? जबरदस्त बिकता होगा, फिर स्वाद अलग ही रहता होगा। अच्छा, पहले से ही मतलब फेवरेट जगह है ये उसकी, मतलब अपना लोकल ही है ये दादी लोकल। तो ये गाइस बायमसी के होटल हैं जो इन्होंने ये कैंप बना रखे हैं स्टे के लिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में। और सामने आप देख रहे हो कितनी ब्यूटी है, ये वाइट ब्यूटी, ये बत्तख है, डक जो बहुत सारी मात्रा में है, देख रहे हो। ये मैं जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये जो है थोड़ा सचेत हो रही हैं और निकल रही हैं, उनको लग रहा है बाप रे क्या बात, अरे वो मेरे साथ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे ऊपर हमला कर दिया, देख रहे। नहीं यार मैं छेड़ने नहीं आ रहा, मारने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है बाय बाय। तो वो उधर मिल रहा है अपना। बस गाइस मेरे से यही गलती हो गई थी कि मैंने कैमरा बंद कर दिया था और मैं वो मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत मज़ा आता आपको वाकई में, लेकिन वहाँ के जो टूरिस्ट लोग थे वो देख के हंस रहे थे, बहुत मज़े ले रहे थे, क्योंकि मोमेंट ही इतना मज़ा था कि पूरे ग्रुप ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। बहुत बहुत खतरनाक है, दौड़ा दिया यार मेरे को इन्होंने, बहुत वहाँ से इधर आ गई यार, इनसे तो बचना पड़ेगा। बाप रे वहाँ सारे लोग हंस रहे, मज़े ले रहे यार। ये जो है इधर का एक होटल है, रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। और ये है अपने पांडे जी, ये हमारे पांडे जी, इनसे मिलिएगा, ये हमारे पंप हाउस में काम करते हैं। और पांडे जी इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम भी इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये लेते हैं ये वाली, कोई भी नहीं, ये थोड़ा उस टाइप से लग रही है जैसे अपना डल झील में जो कश्मीर की लेक है, मेरे को नहीं पता कौन सी लेक है जो कश्मीर में लेके तो जम जाती है, वहाँ पर इसी टाइप से वो लगी है। इसको क्या क्या बोलते हैं? तीन ताल हैं। अच्छा ताल, अच्छा राम ताल, लक्ष्मण ताल और सीता ताल, तीन है। अच्छा बैठते हैं यार, आ जाओ इधर जाते हैं क्योंकि चलानी पड़ेगी नहीं। तो फाइनली हम लोग लेक के अंदर, और यह है नज़ारा, और अपना बोट आगे बढ़ता हुआ ही। तो गाइस बोटिंग कर लो, और पांडे जी सैंपल भर लिए हैं, पकड़ लिया है, और पीछे देखो हम कितना बड़ा सहर करके आ गए पूरे लेक की, और पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, फुल एक्सरसाइज हो गई एक हफ्ते की बोटिंग करते करते। साइट है वो बायमसी, ये कैंप साइट है, यहाँ पर अगर आप कैंप करते हैं, कैंपिंग के शौकीन हैं तो कैंप कर सकते हैं वहाँ। मैं दिखाता हूँ उधर साइट को, पूरा ये कैंपिंग साइट है, और वो ऊपर उनका होटल है। ये देखो इसका नाम बोटू है। हेलो, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये गर्लफ्रेंड है। हेलो, ये बोटू है यहाँ का,
पांडे जी का मित्र है। ये वाले सेपरेट है, इसमें लेटरिन बाथरूम सब अंदर मिलेगी, एकदम फर्स्ट क्लास है। और ये जो है असली कैंप तो यही है, ये इसका लेटरिन बाथरूम है, इधर शेयरिंग वाला है। असल में असली चीज़ जो है वो ये है, पांडे जी दिखा रहे हैं इसका, एक्सप्लोर करते हैं। इसमें अभी क्लोज है, सारे बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से मिलेगा। अगर आप आते हैं, अगर आप इधर आते हैं घूमने, तो घूम सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है। सामने आपको लेक व्यू मिलेगा इधर, और खूबसूरत हरे जंगल और बड़े बड़े पहाड़। गाइस बोटिंग करके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, आपने देखे ही होंगे शॉर्ट। और ये देखिए पेड़ बहुत ही खूबसूरत है और एकदम ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हो आप, पूरा जंगल है, पूरा अमेजिंग जगह, अमेजिंग। बोटू मेरा बच्चा, कितना प्यारा डॉग है, ब्लैक कलर का, इसका नाम है बोटू, बहुत ही अच्छा बच्चा है, देख रहे। लेकिन अभी थोड़ा गंदा भी है, नटखट है, एक चलते चलते एकदम से फ्लिप कर दिया और आया अपनी धन्नों के ऊपर, फटाफट खट 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 कर पूरा गंदा कर दिया। तो ये देखो, बहुत ही प्यारा डॉग है, देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है, देखो इंजॉय कर रहा है, देखो ये सेल्फी, बोटू सेल्फी सेल्फी। गाइस फाइनली बोटू और पांडे जी को बाय बाय करने के बाद अब हम निकलते हैं यहाँ से। असल में हमारे साथ गेम हो गया, गेम ये हो गया कि सौरभ जोशी जो हैं आज नहीं आए, वो आए थे कल, यानी कि सैटरडे को, और आज है संडे। तो हमारे साथ बहुत बड़ा गेम हो गया यार। और ये है यहाँ की प्रकृति, बहुत खूबसूरत है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा कि हमेशा रोज़ यहाँ पर आऊँ, घूमने आऊँ, बहुत मज़ा आ रहा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज इस कैंपिंग साइट पे हमने बात कर ली है, ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ये कैंपिंग साइट अपना ही है। तो कभी अगर आप सात ताल आते हैं, भीमताल नैनीताल में, तो प्लीज़ इस कैंपिंग साइट का आनंद ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कैंपिंग के दीवाने हैं, जंगल में, लेक के साइड में, और आप चाहते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा हो जब आप सुबह उठें, तो आप चहकती चिड़ियों की आवाज़ और आपके सामने हो लेक, और आपके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ग्रीन जंगल, ग्रीन वादियाँ, तो आप इस साइड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये रही अपनी धन्नो। असल में गाइस मुझे ये वाली बोटिंग करनी थी, मुझे इस वाली बोटिंग करने का बहुत शौक था, तो मैं चाहता था कि मुझे ये वाली बोट मिले, लेकिन मेरे को बड़ी वाली, बिग वाली बोट मिली।